हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताऊंगी। हम इन दोनों के बीच के अंतर को जाने, हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो यहाँ प्रयुक्त की जा रही हैं उसके बारे में जानेंगे, ताकि हमें अपने मूल विषय को जानने में आसानी रहे। तो पहली जो शब्दावली प्रयुक्त की जा रही है, अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र है क्या? हमने कक्षा 11 में इसका डिटेल पढ़ा होगा, लेकिन एक बार समझ लेते हैं। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलके बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब है धन और शास्त्र का मतलब है विषय का अध्ययन। तो इसका मतलब हुआ अर्थशास्त्र धन के विषय का अध्ययन है, लेकिन यह परिभाषा अपूर्ण रहेगी जब तक कि इसमें शब्द संसाधनों को ना जोड़ा जाए। संसाधन कौन कौन से हैं? संसाधन हमारे हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो अब अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या बनी कि धन एवं संसाधनों का अध्ययन करना अर्थशास्त्र है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, साधन सीमित हैं। जब मनुष्य प्रयत्न करता है कि कैसे सीमित साधनों से अपने असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करे, इन प्रयत्नों का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। दूसरा शब्द जो प्रयुक्त किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थ प्लस व्यवस्था, मुद्रा का प्रबंधन। व्यवस्था मतलब प्रबंधन, तो मुद्रा का प्रबंधन करना अर्थव्यवस्था है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि धन के साथ हमें संसाधन भी जोड़ने हैं, तो यहाँ पर जब अर्थ व्यवस्था में धन प्लस संसाधनों को जोड़ेंगे और उनका प्रबंधन करना, मतलब धन का प्रबंधन करना व संसाधनों का प्रबंधन करना ही अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में व्यवहारिक पक्ष है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र में केवल अध्ययन किया जाता है कि समस्याएं क्या हैं, लेकिन और मानव क्या प्रयास कर रहा है इसका अध्ययन किया जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था व्यवहारिक पक्ष है। यहाँ पर अध्ययन न करके क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। जैसे भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अर्थव्यवस्था किसी एक विशेष क्षेत्र को लेकर है। जैसे भारत में क्या क्या आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, तो ये भारत की अर्थव्यवस्था कही जाएगी कि भारत में क्या क्या आर्थिक क्रिया हो रही है। अब आर्थिक क्रियाकलाप है क्या, इसके बारे में जानते हैं। आर्थिक क्रिया होती क्या है? आर्थिक क्रिया वह क्रिया जो धन को अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है, वह आर्थिक क्रिया है। अब कौन कौन सी क्रियाएं धन को अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती हैं? मनुष्य उत्पादन करता है वस्तुओं का, उपभोग करना, विनिमय करना, वितरण करना, ये आर्थिक क्रियाएं हैं। उत्पादन में वस्तु का उत्पादन मतलब कि वस्तु का भौतिक निर्माण किया जाता है ताकि वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो, उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो। उपभोग में उपभोक्ता एक निश्चित मूल्य पर वस्तु को खरीदने के लिए तैयार रहता है ताकि उसकी उपयोगिता करे और अपनी संतुष्टि कर सके। उपभोग के अंतर्गत हम उपभोक्ता संतुलन के विषय में पढ़ेंगे। विनिमय, विनिमय का अर्थ वस्तुओं के लेन देन से है। एक निश्चित कीमत पर वस्तुओं का लेन देन करना ही विनिमय कहलाता है। वह कीमत जिसको उपभोक्ता देने को तैयार रहे और क्रेता लेने को तैयार रहे। वितरण, वितरण जब वस्तु का उत्पादन करते हैं, संसाधनों का हम दोहन करते हैं, जो उनसे प्रतिफल प्राप्त होता है, उस प्रतिफल को हम विभिन्न संसाधनों में कैसे बांटें, उसको वितरण कहते हैं। इन शब्दावलियों को जानने के बाद अब हम अपने मूल विषय की ओर आते हैं। अब हमें अपना मूल विषय थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम जानेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अर्थशास्त्र का प्रयुक्त हो रहा है। अब अर्थशास्त्र हमें मालूम चलना चाहिए कि हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर व्यष्टि मतलब यहाँ पर व्यक्तिगत है, एक व्यक्तिगत एक। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, एक इकाई का। वो एक इकाई कौन सी हो सकती है? एक उपभोक्ता हो सकता है, एक फर्म हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, एक उद्योग हो सकता है, कि उनके समस्याएं क्या है और उनका निराकरण किया जाए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो बनी है हमारे इकाइयों से, तो इकाइयों के समूहों का अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में हम बात करते हैं, भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन हुआ, कितनी आय अर्जित की, सामान्य कीमत स्तर क्या रहा, हमारी अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है या तेजी की दौर से गुजर रही है, व्यापार चक्र चल रहे हैं, कुल विनियोग भारत ने या भारतीय सरकार ने पूंजीगत
वस्तुओं पर कितना खर्च किया, कुल बचत हमारे देश की कितनी रही। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम इकाइयों के समूहों का अध्ययन कर रहे हैं। अब दूसरा अंतर हमारा आता है क्रिया, कौन कौन सी क्रियाएं यहाँ पर की जाती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में योगों को तोड़ने की क्रिया की जाती है और समष्टि अर्थशास्त्र में योग करने की क्रिया की जाती है। अब योग करने की क्रिया, जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा एक इकाई, जब एक एक इकाई को जोड़ते हैं तो वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनती है, उसका योग कर रहे हैं, मतलब इकाइयों का योग कर रहे हैं तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था बन गई, तो समष्टि अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया है। जैसे कुल उत्पाद, देश में कितना उत्पादन हुआ, तो यहाँ जितने उद्योग हैं देश के अंदर, एक एक उद्योग को जोड़कर उसका योग करके कुल उत्पादन निकाला जाता है, तो योग करने की क्रिया। योगों को तोड़ने की क्रिया, या हम कुल उत्पाद की बात कर रहे हैं तो यहाँ व्यक्तिगत एक उद्योग के उत्पादन की बात कर रहे हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र योगों को तोड़ने की क्रिया है, मतलब एक इकाई का अध्ययन करते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया है, मतलब इकाइयों के समूह का अध्ययन करते हैं। तीसरा आता है मान्यता, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की मान्यताएं क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार, स्वतंत्र कीमत निर्धारण की मान्यता पर आधारित है। अब हम ये समझेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार, स्वतंत्र कीमत निर्धारण है क्या, ये हम आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार जहाँ क्रेताओं की संख्या भी अधिक है, विक्रेताओं की संख्या भी अधिक है, यानी खरीदने वाले भी ज़्यादा हैं और बेचने वाले भी ज़्यादा हैं, और हम ये मानकर चलते हैं कि बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान है और कीमत सबकी एक सी है और जो वस्तुएं हैं वो समरूप उत्पादित की जा रही है। पूर्ण रोजगार, इसमें ये मान्यता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में कि जो हमारे उत्पादन के साधन हैं पूर्ण रोजगार में लगे हुए हैं और बेरोजगारी की स्थिति नहीं है। स्वतंत्र कीमत निर्धारण, व्यष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के निर्धारण करने में सरकार का कोई दखल नहीं है, और वस्तु और सेवाओं की कीमत मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित की जा रही है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के साधन का वितरण पूर्व से निर्धारित है और अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। चौथा विषय हमारा अंतर का आता है मुख्य विषय। मुख्य विषय है क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र का, कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना। कीमत सिद्धांत किस कीमत निर्धारित करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत निर्धारित करता है एक उपभोक्ता की, कि उपभोक्ता किस कीमत पर सामान खरीदे, एक फर्म की, एक परिवार की, एक उद्योग की। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत का निर्धारित करता है कि उत्पादन के साधनों की कीमत क्या रहेगी, श्रम की मजदूरी क्या रहेगी या मजदूर की मजदूरी क्या रहेगी, या हमारा जो हमारी धनराशि है, जो हमारी राशि है उस पर हमें ब्याज क्या मिलेगा। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है आय व रोजगार पर केंद्रित है। आय मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय आय से है कि राष्ट्रीय आय की संकल्पनाएं क्या है और रोजगार की स्थिति क्या है, बेरोजगारी है तो उसको कैसे दूर करें। महत्व विश्लेषण यहाँ पर करते हैं, ये कम महत्वपूर्ण है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि यहाँ पर केवल एक इकाई का अध्ययन किया जाता है और जरूरी नहीं है कि जो एक इकाई हमारे संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण करना सरल है क्योंकि एक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण करना जटिल है क्योंकि हम समूह को यहाँ पर समूह का अध्ययन करें, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन, वहाँ पर क्या मंदी चल रही है उसको कैसे दूर करें, जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस दौर से गुजर रही है और मंदी का दौर चल रहा है तो देश विकास अवरुद्ध ना हो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ का हम कार्य करें और आर्थिक क्रियाकलाप करें। धन्यवाद बच्चों, ये आज आपका रहा व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। मैं आपको अगली बार दूसरी वीडियो में और भी ज़्यादा बताऊँगी। धन्यवाद।